जल। जल इधर भी इन वर्णों को अलग अलग करके लिखा गया है, बस तो इसमें किसी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इन्हें हम अमात्रिक शब्द बोलेंगे या पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे अमात्रिक शब्द है। प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर निहित है, अकेले व्यंजन में आ स्वर निहित रहता है, मतलब प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर जो छोटा आ होता है उसका हमेशा प्रयोग होता है, मतलब उसमें छुपा रहता है, प्रत्येक व्यंजन के साथ आ स्वर छुपा रहता है, अकेले व्यंजन में आ स्वर निहित रहता है। स्वर सहित व्यंजन, और देख रहे हैं कि इसमें क ख ग घ जो ये व्यंजन लिखे गए हैं इसमें आ स्वर का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित व्यंजन और जिसमें आ स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है वो हमारे ये व्यंजन है, जैसे इनको पढ़ेंगे क ख घ, क्योंकि इनमें हलंत लगा हुआ है तो यहाँ पे ये हाफ का बना हुआ है और आधा खा बना हुआ है, आधा ग बना हुआ है, मतलब स्वर रहित व्यंजन इसमें आ स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। पढ़िए और समझिए। आ की मात्रा, आ की मात्रा, जैसे जब आ की मात्रा प्रयोग होता है उस शब्द को थोड़ा तेज बोलते हैं, जैसे लिखा हुआ है ताला, ठीक है, देख रहे हैं आ की मात्रा प्रयोग। आ के अतिरिक्त जब दूसरे स्वर व्यंजनों से मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, यह बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। ढोल यहाँ पे ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, कुला यहाँ पे छोटी ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, गुला ओ और आ की मात्रा का प्रयोग हुआ, ढोल यहाँ पे सिर्फ ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ, तोता यहाँ पे ओ और आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, शेर यहाँ पे ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है, विभिन्न स्वरों की मात्रा है। यहाँ पे सारे स्वर दिए गए हैं और उनकी मात्राएं भी दी गई हैं। आप लोग देख रहे हैं जैसा कि आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, छोटा आ होता है उसका कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, वो अमात्रिक स्वर होता है, जैसे यहाँ पे जब, ठीक है, आ यहाँ पे आ आ की मात्रा है यहाँ पे, और उससे ये जो वर्ड अलग अलग दिए गए हैं यहाँ पे मिला के लिखा हुआ है, तो इसे आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, माला। इसी तरह ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसी तरह बड़े ई की भी मात्रा का प्रयोग हुआ है, ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे लिखा है किसान, ची, पुल, बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ, फूल, री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, फैशन, ए की मात्रा का प्रयोग हुआ, शेर, ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है, कैमरा, ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, जोकर, बड़े ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, कौवा, ठीक है। रानी ऊ की मात्रा का प्रयोग हम इस तरह लिख करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं जिसमें रा का प्रयोग हुआ है, रा में ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, जब रा में ऊ की मात्रा का प्रयोग हम इस तरह करते हैं, जब रा शब्द कहीं पे लिखते हैं तो उसमें ऊ की मात्रा का प्रयोग रा के पीछे लगाते हैं, नीचे न लगा के रा के पीछे लगाते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है ऊंची ऊ गुर गुर जरूर रुपया रूखा। इससे क्या सीखा, मात्राएं किसे कहते हैं, आपको समझ में आया कि मात्राएं किसे कहते हैं, तो मात्राएं स्वरों के वह चिन्ह होते हैं जो व्यंजन के साथ लगाए जाते हैं, उन्हें हम मात्रा कहते हैं। ये आपका अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित स्वरों की मात्राएं लिखिए। ये फर्स्ट बॉक्स में आपको सारे स्वर लिखने हैं जो 11 होते हैं, उसके जो नीचे बॉक्स दिए गए हैं उन स्वरों के चिन्ह लिखने हैं आपको, जिन्हें हम मात्राएं कहते हैं, मतलब स्वर और उनकी मात्राएं लिखनी है। फर्स्ट बॉक्स में आपको स्वर लिखने हैं, सेकेंड नीचे जो बॉक्स दिए गए हैं उनमें आपको उनकी मात्राएं
व्यंजन के आगे लगने वाली मात्राएं, कुछ मात्राएं जो होती है व्यंजन के आगे लगती है, जैसे देख रहे हैं आ ई ओ औ, आ ई ओ औ, ये मात्राएं जो है व्यंजन के आगे लगती है। ठीक है, व्यंजन के ऊपर लगने वाली मात्रा ए आए, ए जो मात्राएं होती है वो व्यंजन के ऊपर लगती है। व्यंजन के पहले लगने वाली मात्रा छोटी ई, छोटी ई की जो मात्रा होती है वो व्यंजन के पहले लगती है। और सब